दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जियो के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा, दोस्तों कुछ लोगों को पता होगा कि जियो में आप लोन में डेटा ले सकते हैं। दोस्तों अगर जिस लोगों को नहीं पता तो उनको मैं बता दूं कि जियो में आप 5 GB तक का लोन में डेटा ले सकते हैं। जैसे अगर आपका इमरजेंसी में डाटा ख़त्म हो जाता है तो आप जियो सिम से लोन ले सकते हैं। 1 GB तक का डाटा आपको 5 बार मिल सकता है। ये दोस्तों आपको ये कैसे मिलेगा, इसका प्रोसेसर क्या है और ये आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं लेने के लिए और कितने दिन में मिलता है और कितनी जल्दी मिल जाता है, कितनी देर में भरना होता है, ये सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं और चलिए मोबाइल स्क्रीन में आपको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ और अपने मोबाइल स्क्रीन पे मैं जियो ऐप को ओपन करूँगा। जैसे दोस्तों मैं अपने मोबाइल में जियो ऐप को खोल के रखा हूँ और दोस्तों वैसे ही मैं जियो ऐप को ओपन करता हूँ और उसके बाद वहाँ पर इसके बाद जाते हैं दोस्तों। कुछ ऐड्स आ रहे हैं और उसको सिलेक्ट करने के बाद जो दोस्तों जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं उस पर हमें क्लिक करना है और इसमें जाना है हमको इमरजेंसी लोन डाटा। देखो जैसे न्यू ऑप्शन दिख रहा होगा रेड कलर का, तो ये हमको इसमें क्लिक करना है। दोस्तों इसमें क्लिक करने के बाद देखिए ये थोड़ा खुलने में टाइम ले रहा है। ये देखिए दोस्तों इमरजेंसी डाटा लोन, दोस्तों ये प्रोसेस, इसमें हमें प्रोसेस में क्लिक करना है। रिचार्ज नाउ प्ले लेटर। दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों आपको दिखा रहा होगा कि 1 GB डाटा 11 रुपये का जो आता है, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो आप इसको ले सकते हैं। आप इसको 5 क्वांटिटी में ले सकते हैं, इसको एक्टिव कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एक्टिव करते हैं हम इसको और दोस्तों ये थोड़ी देर प्रोसेस लेगा, उसके बाद देखिए दोस्तों ये एक्टिव हो चुका है। दोस्तों हम लोन डाटा ले चुके हैं और हम अब बैक आ जाएंगे और इसमें सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम इस पर आता है रेटिंग के लिए, अगर हम उसको बैक कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पास हमारा प्लान दिख रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पास अपने प्लान को देखेंगे। अब दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पास अगर आपको दोबारा लेना है तो आप दोबारा इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। अगर दोबारा आप लेना चाहते हैं, देखिए इसमें एक हमारा दिखा रहा है, अगर इसको क्लियर करना है तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। जितने आप क्वांटिटी में लेंगे वो इतना वाउचर्स में दिखाता रहेगा। जैसे कि इसमें 1 वाउचर दिखा रहा है मेरा, अभी हमने अभी जस्ट लिया है एक, तो वो उसका ये दिखा रहा है। दोस्तों ये इसमें देखो फिलअप करने का भी आ रहा है कि आप इसको भर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों भरने के लिए बेशक क्या करना होगा और किस चीज़ से भर सकते हैं, जैसे आपको दोस्तों अगर आप पेटीएम यूज करते हैं या तो गूगल पे या तो UPI के द्वारा भी आप इसको पे कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों अब हम देखेंगे अपने प्लान में। दोस्तों हम अपने प्लान में जाके देखते हैं कि ये प्लान में दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों नीचे आएंगे दोस्तों, जैसे जितने सारे प्लान होंगे आपके वो दिखाई देंगे। देखो जिस इसमें दिखा हुआ है कि 1 GB क्रेडिट डाटा, 1 GB क्रेडिट डाटा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने अगर कभी प्रॉब्लम में है, अगर दिक्कत डाटा आपका ख़त्म हो गया है तो आप डाटा लोन पर ले सकते हैं। दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।